किसको हिस्सा लेना है। 19% है आप लोग मुस्लिम, 19% है क्या आपको 19% के हिसाब से नौकरी मिलती है? नहीं मिलती ना, तो चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए नारा है माननीय बाबू सिंह। तो क्या होगा? अरे दीवानों ये देख लो कि भारत की संसद में हमारे पास सिर्फ 2 MP हैं, और जब 2 MP मैं और इम्तियाज जलील खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 MP खड़े होकर हम आपसे ये बताने आए हैं कि आपको अपना एक एकॉर्ड भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी जनाब विजय द्विवेदी साहब के हाथ में वोट डालना है, ताकि भैया को भी मालूम हो जाए, भैया के ख्वाब में कृष्ण आकर कह दे कि कह दिए कि तू बन गया मुख्यमंत्री, तो उनके ख्वाब चुकना चूर हो जाएंगे। और बना करके इनको लखनऊ के विधानसभा में भेज, हमारे बीच में MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। माननीय ओवैसी साहब, माननीय ओवैसी साहब, माननीय रामकरण कश्यप जी, माननीय रामकरण कश्यप जी, और मैं कम समय में अपनी बात रखी और अब आगे लीडर आपके की है। अभी नसीम शाह युवा जिलाध्यक्ष अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मजलिस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हमने और सब तमाम पार्टी जो इसमें है उसमें तय किया कि इंशाल्लाह अगर आपकी दुआएं आपका आशीर्वाद रहा और उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है तो हम इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब को 2.5 साल के लिए उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे इंशाअल्लाह। और 2.5 साल के लिए दलित समाज से एक शख्स को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जिसमें अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान एक होंगे और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ जबानी खर्च ना किया जाए बल्कि उसको अमली जामेनामा पहनाना ज़रूरी है। क्या सपा को अगर इख्तदार मिलता है तो क्या वो किसी मुसलमान को डिप्टी CM बनाएगी? बीजेपी से तो उम्मीद ही मत रखिए। तो आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है जो कल तक आपके पास नहीं था। बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी एक साथ मिलकर आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ओवैसी और कुशवाहा अपने दिल को मिला लिए और अपनी मंजिल को अपनी कामयाबी को ये समझते हैं कि यहाँ से अगर विजय द्विवेदी कामयाब होगा तो ये MIM पार्टी की कामयाबी होगी और जहाँ से MIM पार्टी का प्रत्याशी कामयाब होगा वो कुशवाहा साहब की कामयाबी होगी। तो मेरी आपसे अपील है कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक साथ मिलकर इस चुनाव में उतर चुके हैं तो आप तमाम से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप अपना एक एकॉर्ड बाबू सिंह कुशवाहा के पार्टी के हमीरपुर के विधानसभा में गैस के सिलेंडर पर बटन दबाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और हिस्सेदारी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। बीजेपी को 5 साल मौका मिला मगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विकास करने की जगह विनाश करके रख दिया। बीजेपी ने डबल इंजन का नाम दिया मगर इंजन तो सिर्फ बाबा और मोदी का चला, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन गया। डबल इंजन की सरकार ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। डबल इंजन की सरकार ने कोविड की सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश के गरीबों को पास करने की
की जगह विनाश करके रख दिया। बीजेपी ने डबल इंजन का नाम दिया, मगर इंजन तो सिर्फ बाबा और मोदी का चला, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी का मुखदर बन गया। डबल इंजन की सरकार ने किसानों को अपनी गाड़ी से रोन दिया। डबल इंजन की सरकार ने कोविड की सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश के गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया, और किसी के पति, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे की लाशों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली तो हालत मजबूरी में पानी पर उनकी लाशें तीर रही थी। दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली कब्रिस्तान में तो नदी के किनारे दफना दिया गया। आप जब वोट डालने जाएंगे तो उससे पहले वो नजारों को याद रखिए कि किसी के बाप और किसी के बेटे, किसी की माँ की लाशों को नदी के किनारे कुत्ते लोच कर खा रहे थे। ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का असली चेहरा है। और सब तमाम पार्टी जो इसमें है उसमें तय किया कि इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद रहा और उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है तो हम इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब को 2.5 साल के लिए उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे इंशाअल्लाह। और 2.5 साल देश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जिसमें अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान एक होंगे और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ जबानी खर्च ना किया जाए बल्कि उसको अमली जामेनामा पहनाना जरूरी है।